स्कॉर्पियो मल्टी चेन ब्लॉकचेन की मदद से एक ऐसा फीचर जो शायद किसी के पास नहीं था, लेकिन टाइम के साथ आगे बढ़ने का एक क्लॉज मार्केट में आया कि प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज नहीं कर सकते, आपको पब्लिक ब्लॉकचेन यूज करनी पड़ेगी। तो उस पब्लिक ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया गया एज अ बिनांस स्मार्ट चेन के रूप में। और एक तो सबसे ज्यादा जोर चार मतलब तालियां इस चीज के लिए होनी चाहिए, ये जो क्विक एक्शन इस कम्युनिटी में लिया जाता है और उस क्विक एक्शन का एक्सेप्टेंस जो हम सब लोग करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। एक मॉडिफिकेशन, एक अपडेशन हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट? आ गया? ठीक, उसको ऑन रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मल्टी चेन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो कम्युनिटी बिल्ड हुई, उस कम्युनिटी को सबसे पहले वी हैव शिफ्टेड टू द पब्लिक ब्लॉकचेन ऑफ इथेरियम बाय यूजिंग द नेटवर्क ऑफ बिनांस स्मार्ट चेन। एंड दिस इज द रियल स्ट्रेंथ। व्हाट्स द रियल स्ट्रेंथ? हमारे अभी तक के टोटल होल्डर्स कितने हैं सर? 45,453। हमारी अभी तक की टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है? 2,01,557। और हमारे को आज डेट है 19, और हमारे को अभी मार्केट में, ऑर्गेनिक मार्केट में जिंदा हुए हुए 1 महीना और 5 दिन। अगर आज की डेट में डीजीटी को कोई स्टडी करेगा तो वो क्या स्टडी करेगा? वो इस कॉन्फ्रेंस में आएगा क्या? वो यहां बैठेगा क्या? ये सारी चीजें समझेगा क्या? वो स्टडी करेगा कि कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट B20 के ऊपर चल रहे हैं। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डीजीटी का दिखाई देगा जो उसको टॉप 10 में दिखेगा। इसमें दिखेगा सर आने वाले 1 महीने के अंदर टॉप 10 के अंदर हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। फोर्स आज करके कंपनी आई थी, सुना? आई थी इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। कौन चुका? मैं फोर्स आज की बात, मैं एमएलएम की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। नहीं तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसका नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि वो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नंबर 1 में था पूरी दुनिया में। कितने महीने में सर? सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी कि उसने इतनी ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांजेक्शन हुई कि अभी तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ऊपर डेवलप हुए थे किसी ने भी इतनी फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं की थी। गेटिंग माई पॉइंट? आज हमारे पास 1.25 महीने मतलब 1 महीना 5 दिन के अंदर 45,000 एड्रेसेस यहां पर आपको दिख रहे हैं, 2,00,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है। वो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ेगी उतनी स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक मार्केट में डीजीटी को मिलने वाली है। एंड दिस आर द केपेबल फिगर्स टू गेट लिस्ट ऑन एनी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। मैंने कुछ बोला है? अरे समझो क्या बोला? क्या दिस आर द केपेबल फिगर्स टू गेट लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। हम इन फिगर्स के साथ दुनिया में किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके लिस्ट हो सकते हैं आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर भी।
हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस के ऊपर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हैं, तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट जो हमारे पास है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेल, दिस इज द हेड, दिस इज द हेड फ्रॉम वेयर वी कैन विन दिस बैटल। अब इस हेड की टेल क्या है वो भी समझ लीजिए, कि अगर अगले ही महीने हम एक्सचेंज पर लिस्ट हुए तो वी आर गोइंग टू क्रैश दिस प्लेन, तो हम अगले ही महीने खत्म हो जाएंगे। पैंतालीस हजार यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, अपनी टीम के हर एक मेंबर को सिर्फ ये सेट करना है कि तेरे को पूरे महीने में 45,000 नहीं करना देते नया। एवरेज कितना सर? 45,000। और आज हम कितना कर रहे हैं महीने में? करोड़ों का कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? Yes or no? Yes। और अगर ये करने में हम सिर्फ एक या दो महीने कामयाब हो जाते हैं तो जो $15 हमारा रेट या वॉट एवर जो भी रेट होगा उस टाइम पर, लिस्टिंग के टाइम पर, चाहे $20 हो चाहे $25 हो चाहे $50 हो, और अगर वो रेट लॉन्च करने के बाद हम दो महीना मार्केट में सस्टेन कर जाते हैं ऑर्गेनिक मार्केट में, तो जितना वॉल्यूम हमने 3 साल में नहीं किया ना सर, उतना वॉल्यूम एक महीने में क्रिप्टो आपको घर पे लेके मिल जाएगी। क्योंकि आपके बाहर की जो दुनिया है वो $2,00,000 पर डे वॉल्यूम जनरेट करती है, और हमारा टारगेट उसका 0.5% भी हमें मिल जाए तो शायद हम में से किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन वो 0.5% 0.1% खींचने के लिए इतना होमवर्क तो हमारे को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई द स्टेकिंग प्रोग्राम has been launched in Boston. And what's the target? हमारे को Boston के अंदर लगभग 3 करोड़ पॉइंट, 2.5 से 3 करोड़ पॉइंट होल्ड करने हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी इन ऑर्गेनिक मार्केट। अब ये आप सबकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम हम एक महीने में करते हैं, दो महीने में करते हैं, एक साल में करते हैं या दो साल में करते हैं। क्लियर है सर? मोटिव क्लियर है? विजन क्लियर है? प्रोपोगेंडा क्लियर है? क्योंकि ये मैंने मोटिव बताया है, प्रोपोगेंडा आप सबको बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। अब ये $100 पे कैसे जाएगा, $1,000 पे कैसे जाएगा, $2,000 पे कैसे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आज हमारे को तैयारी सिर्फ ये करनी है कि एक्सचेंज पे जाने के बाद हमारे कॉइन का रेट जो है वो गिरना नहीं चाहिए, और वो एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। हम सब एक साथ में एक रोड मैप के ऊपर अगर काम करेंगे तो वो सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। सिस्टम आपके सामने ऑलरेडी वो रोड मैप दे चुका है। सिस्टम ने क्या किया, एक लाइन खींच दी है और सिर्फ ये गाइड कर रहा है कि आप इस लाइन पर सर इस तरीके से चलते चलते। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द Responsibility which was given to me, कि वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं,
what is the real facts, what we have to do, हमें क्या करना है, अब हमें कैसे करना है, ये आपको अगले सेशन के अंदर मतलब आफ्टर द लंच। तो सुखदेव जी जो हमारे ग्रेट मेंटर है, ग्रेट लीडर है, he is going to tell you about that कि how we have to do और क्या हमें मिलेगा उसके लिए। तो फिर वैसे ही आदमी आना चाहिए स्टेज के ऊपर, तो वो एक अलग पर्सनैलिटी फिर आपसे थर्ड सेशन के अंदर मिलेगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जो टास्क मेरे को दिया था वो मैंने भरपूर निभाया, आप सबका आशीर्वाद और साथ, और टाइम टू टाइम हम सब लोगों की मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। सर ने मेन चीज तो निकाल दिया। सर का धन्यवाद एक बार कर सकते हैं।